आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम कुर्ती का बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई है 11.5 इंचेस और लेंथ है 12 इंचेस। इसको हम सेंटर से सीधा मोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है, जो कि 5.5 इंचेस है। नेक की लेंथ जितनी भी हमें रेडी करनी है, सभी निशानों को हम अच्छे से मिलाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें 1 इंच के गैप पर एक और राउंड शेप ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हम आधा इंच का गैप रखते हुए एक और शेप ड्रॉ करेंगे। अब करनी है हमें नेक की कटिंग। इस तरह से हमारे 3 राउंड नेक कट होंगे और यहाँ से जो नेक की चौड़ाई होगी वो होगी 8 इंच। सबसे बड़ा जो हमारा नेक होगा उस नेक की चौड़ाई 8 इंच रहेगी। और यहाँ से जो हमारा राउंड नेक रेडी होगा, जिसकी चौड़ाई 5.5 इंचेस है, सेंटर का जो नेक है उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, निकाल देंगे अलग से। सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो हमारा नेक है, जिसकी चौड़ाई 8 इंच है, उसे रेडी करेंगे। जिस तरह से हम सिंपल नेक बनाते हैं राउंड नेक, उसी तरह से हम इसे भी रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को करेंगे कट। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम सिंपल नेक की तरह ही पूरा रेडी कर लेंगे। देखिए, हमने अपना पूरा राउंड नेक रेडी कर लिया है। इसके बाद हम छोटे वाला नेक लेंगे। अब फैब्रिक की रॉन्ग साइड हम नेक को अटैच करेंगे। नेक की चौड़ाई है 5.5 इंचेस। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अभी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। अभी हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और रॉन्ग साइड ही इसको हमें अटैच करना है। किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। अभी हम नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रॉन्ग साइड टर्न करना है। फैब्रिक को बिल्कुल किनारे पर मोड़ेंगे और यहाँ पे हमें बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगानी है। देखिए, हमारा राउंड नेक रेडी हो गया है। उसके बाद हमने ली है ये लेस, इसमें से हम पैच कट करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर में पैच अटैच करेंगे। गैप हमारा आधा इंच ही रहेगा।
अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक पर हम इसी तरह से पैच अटैच कर लेंगे। देखिए हमने पूरे नेक पर पैचेस अटैच कर लिए हैं और हमारा नेक डिज़ाइन बनके भी रेडी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।